हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेसन प्लान अड्डा। लेसन प्लान अड्डा में आज मैं आपके लिए पाठ योजना लाई हूँ गणित विषय का, जिसका प्रकरण है माध्यमान, जिसको हम मीन के नाम से भी जानते हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेसन प्लान अड्डा। लेसन प्लान अड्डा में आज मैं आपके लिए एक और लेसन प्लान लेकर आई हूँ, जो कि है गणित का। हमारा प्रकरण है सांख्यिकी और उपप्रकरण है माध्यमान। आइए देखते हैं। सामान्य उद्देश्य, छात्रों में तर्क शक्ति का विकास करना, गणित ज्ञान से छात्रों में अनुशासन बनाए रखना, गणित ज्ञान से छात्रों में प्रयोग करने की रुचि उत्पन्न करना, गणित ज्ञान से मूल्यों की प्राप्ति हेतु छात्रों में क्षमता उत्पन्न करना। विशिष्ट उद्देश्य, छात्र माध्यमान के बारे में जान सकेंगे, छात्र माध्यमान के सूत्र को जान सकेंगे, छात्र माध्यमान संबंधित प्रश्नों को हल कर सकेंगे। हमारा शिक्षण विधि है निगमन विधि। अब आते हैं शिक्षण सहायक सामग्री में, जो कि हमारा है खल्ली, झाड़न, चाट, संकेतक, लपेट, श्यामपट। छात्रों का पूर्व ज्ञान, छात्र माध्यमान के समान जानकारी को रखते हैं। अब हम प्रस्तावना देखेंगे। प्रस्तावना में छात्र अध्यापिका प्रश्न पूछेंगे और बच्चे इसका जवाब देंगे। तो 1, 2, 3, 4 क्या है संख्या? संख्या को जोड़ेंगे तो क्या होगा? योग। उन्हीं संख्या को अगर भाग देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? माध्यमान। तो हमारा उद्देश्य कथन होगा, छात्रों आज हम लोग माध्यमान के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। प्रस्तुतिकरण, प्रस्तुतिकरण में सबसे पहले हम संकेत देंगे। छात्राध्यापिका चार्ट की सहायता से पाठ की व्याख्या करेंगी। माध्यमान, अंकगणित माध्य दी गई संख्याओं के औसत के समान है, या एक संख्याओं के समूह में से वह संख्या है जो उन सभी संख्याओं की प्रतिनिधित्व करती है। छात्र मान लेते हैं कि हमें एक संख्याओं का निश्चित समूह दे रखा है और इस संख्याओं के समूह का माध्य निकालना है, तो हमें बस इन संख्याओं को जोड़ना है एवं ये जितनी संख्याएं हैं उस संख्या को इन सभी संख्याओं के योग से भाग देना है। इससे हमें संख्याओं के समूह का माध्यमान पता चल जाएगा। माध्यमान का सूत्र, माध्य इज इक्वल टू अवलोकनों का योग, अवलोकनों की संख्या। अब है छात्र क्रियाशीलन। छात्र चार्ट को देखेंगे और समझने की प्रयास करेंगे। छात्र छात्राध्यापिका की बातों को ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझने की प्रयास करेंगे। श्यामपट कार्य, मूल्यांकन, माध्य का सूत्र बताइए। अब हमारा एक विकासात्मक प्रश्न आ गया। हम संख्याओं को जोड़कर एवं भाग देकर क्या निकाल सकते हैं? माध्यमान, जो हम मीन बोलते हैं, जिसको माध्यमान ज्ञात करने की कितनी विधि है? तो बच्चे मौन हो जाएंगे, ये हमारा समस्यात्मक प्रश्न है। तो कितनी विधि है? लॉन्ग मेथड है, शॉर्ट मेथड है। लंबी विधि से माध्यमान निकालने से अत्यधिक गणितीय क्रिया करनी पड़ती, इसलिए हम सरल विधि का उपयोग करते हैं, जिसे हम संक्षिप्त विधि कहते हैं। माध्यमान कैसे ज्ञात करें, ये हम एग्जाम्पल से समझाएंगे बच्चों को। देखिए, अब हमारा श्यामपट कार्य, मूल्यांकन प्रश्न, माध्यमान निकालने की कितनी विधि है?
सबसे पहले समेशन एफेक्ट्स निकालने के लिए दी गई संख्या को जोड़ देंगे, फिर जितनी संख्या है उसे n मान देंगे और सूत्र के अनुसार लिख देंगे, तो माध्य मान जो है हमारा आ जाएगा। एक और उदाहरण है, छात्र क्रियाशीलन। छात्र क्रियाशीलन क्या है? छात्र श्याम पट कार्य कॉपी पर उतारेंगे तथा समझने की प्रयास करेंगे। एक प्रश्न है, देख सकते हैं आप लोग। फिर एक मूल्यांकन प्रश्न बच्चों से पूछेंगे हम। गाइस, आपको मेरा लेसन प्लान अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। आई होप आपको मेरा लेसन प्लान पसंद आए। थैंक यू गाइस, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।